गाइस, राजस्थान PTET 4 वर्षीय वालों की फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे PTET 4 वर्षीय वालों की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, PTET 2 वर्षीय वालों की फर्स्ट लिस्ट कितने नंबर वालों को मौका दिया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहला विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन वाले को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे PTET 4 वर्षीय वालों की सेकेंड लिस्ट किस तारीख को जारी की जाएगी। तो PTET 4 वर्षीय वालों की सेकेंड लिस्ट जो है 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जब तक फर्स्ट लिस्ट का काम जो है पूरा नहीं हो जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PTET 4 वर्षीय वालों की सेकंड लिस्ट किस तारीख को जारी की जाएगी। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि PTET 4 वर्षीय वालों की फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि PTET 4 वर्षीय वालों की सेकेंड लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब तक PTET 4 वर्षीय वालों की फर्स्ट लिस्ट की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अगर हम बात करें कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी की जा सकती, तो सेकंड लिस्ट जो है वो 15 सितंबर को जारी की जा सकती है। अब बात करें PTET 2 वर्षीय वालों की फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर वालों को मौका मिल सकता है। जिन बच्चों के साइंस में 300+ नंबर हैं सभी बच्चे काउंसलिंग करवाएं। जिन बच्चों के आर्ट्स में 260+ नंबर हैं सभी बच्चे काउंसलिंग करवाएं। साइंस में जिन बच्चों के 280 नंबर हैं या 290 नंबर हैं या 300 नंबर हैं सभी बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा ज़रूर लें। जिन बच्चों के आर्ट्स में 240+ नंबर हैं, 250 या 260+ नंबर हैं सभी बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा ज़रूर लें। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में जो भी कमेंट्स बच्चों के आए थे उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला कमेंट्स रोहित कुमार जी का आया था, इनकी कैटेगरी है OBC, सब्जेक्ट इनका है आर्ट, ठीक है। 342 नंबर हैं 2 वर्षीय में इनके। ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको होम लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, क्या फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। 95% चांस है कि आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दीपक जी का कमेंट्स आया था, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही 367 स्कोर किया है हमने। कैटागरी इनकी SC है, सब्जेक्ट इनका साइंस है, 2 वर्षीय। ये पूछ रहे हैं कि होम टाउन में मिल जाएगा। 367 स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, तो ये मान के चलिए कि आपको होम टाउन में कॉलेज मिल जाएगा। लिख के रख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए आप कि आपको कॉलेज आपके होम टाउन में मिल जाएगा। स्कोर जो है आपका बहुत ही अच्छा है। अगला कमेंट से एक बच्चे का आया था, दिशा जी का, ये बोल रहे हैं सर आई एम फ्रॉम आर्ट्स, यानी कि इनका सब्जेक्ट आर्ट्स है। 341 नंबर है इनके, कैटागरी जनरल इनकी, और ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको होम टाउन में कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। सब्जेक्ट इनका जनरल है, 341 नंबर, तो 90% मान के चलिए कि आपको आपके होम टाउन में कॉलेज मिल सकता है। चौधरी जी का कमेंट्स आया था, चौधरी RJ, सर फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री आ गई है, काउंसलिंग करवा सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग करवाइए आप। सप्लीमेंट्री का अलग मसला है, काउंसलिंग का अलग मसला है, ठीक है। सप्लीमेंट्री आप जब देंगे तो आप पास हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो काउंसलिंग आपको करवानी होगी, काउंसलिंग करवा सकते हैं आप। आया समझ में आपके? अगला कमेंट से बच्चे का आया था, सर MSc साइंस 333 2 वर्षीय, कॉलेज मिल जाएगा, और कौन सी लिस्ट में हमको कॉलेज मिल सकता है, ये भी ये पूछ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको आपका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट में हो सकता है। MSc आर्ट्स में 329 नंबर है, फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या सर? फर्स्ट लिस्ट में आपका 80% चांस है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल सकता है, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। सरपंच 325 नंबर है इनके, कैटागरी इनकी SC है, सब्जेक्ट इनका आर्ट्स है। ये पूछ रहे हैं कि
क्या हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको 80% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। चेतन जी का कमेंट्स आया था, काउंसलिंग में इसकी क्या गारंटी है। उदय कुमार, सर जी मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, मेरे पीटीटी में 285 नंबर है, सब्जेक्ट हमारा आर्ट्स है, हमको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। तो ये मान के चलिए 80% चांस है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। अफसाना खान, सर आप हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है पहले ये बताइए। खुशी जी का कमेंट्स आया था, इनके 310 नंबर हैं, कैटेगरी इनकी एसटी है, फीमेल साइंस, होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा क्या सर, 80% चांस है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। अगला कमेंट से बच्चे का आया था बापूलाल, 240 नंबर है इनके, कैटागरी इनकी एसटी है, सब्जेक्ट क्या है इनका पता नहीं। रामदयाल जी का कमेंट्स आया था, इनके पीटीटी में 300 नंबर हैं, कैटागरी इनकी ओबीसी है, सब्जेक्ट इनका आर्ट्स है, पूछ रहे होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है, 80% चांस है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। कमला जी का कमेंट्स आया था, कमला चौधरी सर आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, थैंक यू सर। अगला कमेंट्स बच्चे का आया था, सर जनरल वालों को स्कॉलरशिप मिलती है क्या, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखिए जनरल वालों को शायद मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँ क्या जनरल वालों को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, क्या पिछले साल जनरल वालों को स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं मिली थी, पूरी जानकारी करके मैं अब इसकी जानकारी अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। स्कॉलरशिप के लिए क्या जनरल वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रकाश कुमार, पीटीटी 4 ईयर्स काउंसलिंग करवाई थी और मुझे फर्स्ट चॉइस मिली है, लेकिन मुझे दूसरी कॉलेज चाहिए, क्या अब कॉलेज चेंज हो सकती है। रिप्लाई में सर जी हाँ, कॉलेज आपको दूसरी मिल सकती है, अपवर्ड मूवमेंट कराना होगा। अपवर्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो आपको देख सकते हैं आप, 4 से 5 दिनों के अंदर अपवर्ड मूवमेंट का लिंक जो है पीटीईटी की ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। अब शर्त यह है कि अगर उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, अवर्ड मूवमेंट ये आपको ध्यान में रखना है। जनरल कैटेगरी वालों को जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है सर, सेकंड लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, तो सेकंड लिस्ट जो है आपकी 15 सितंबर को जारी की जा सकती है। सर मैं EWS फीमेल साइंस से हूँ, 338 नंबर हैं, तो क्या फर्स्ट लिस्ट में, 80% चांस है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम हो सकता है। सर हमको दूसरी लिस्ट के लिए क्या क्या करना है, प्लीज़ रिप्लाई सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद सर। दूसरी लिस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 सितंबर को या 15 सितंबर के बाद आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी। दूसरी लिस्ट में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, आपको पता चल जाएगा, करना आपको कुछ भी नहीं है। मुझे कॉलेज इन्होंने क्या लिखा है, पसंद है पर थोड़ी दूर है, अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो कॉलेज मिलेगा वो पसंद ना हो तो क्या मैं पहले जो कॉलेज मिला हूँ वहाँ जा सकता हूँ। देखिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मान लीजिए अभी जो आपको करंट में जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आपने अपवर्ड मूवमेंट कर दिया, अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद आपने दूसरा कॉलेज फिल किया और आपको आपके पास में कॉलेज मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉलेज, अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते कि हमको दूसरा कॉलेज मिले, तो ऐसा नहीं है। अगर अपवर्ड मूवमेंट करने पर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया तो आपको दूसरे कॉलेज में ही आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको जो कॉलेज मिल गया आपने छोड़ दिया फिर आप दूसरे कॉलेज चले चले जाएँ, ये कोई सब्जी मंडी वाली ये बात नहीं है कि आप भाव कम कर रहे हैं, आप जब चाहे आप वहाँ जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नियम भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। जो रूल्स हैं वो सबके लिए रूल्स एक ही हैं, आप अपने माइंड से सोच रहे हैं कि हम कॉलेज चेंज कर लें अपर मूवमेंट के बाद, तो ऐसा नहीं है, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। आज सर मेरा आज के अंदर 286 नंबर कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है, 286 के नंबर इनके इस बच्चे के थे और उनको कॉलेज भी अलॉट हो गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला कमेंट्स बच्चे का आया था, कैटागरी इनकी ओबीसी है, 2 वर्षीय आर्ट्स, 303 नंबर हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज क्या मिल जाएगा, 80% चांस है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए,
वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।